पहले या सरकार तो चेतावनी हर गल है मोदी भगत चुन से लले गलत कमेंट कर रहे हैं हमारा पै और मतलब मेरा नहीं के लग रहे कहन मुहिम अरविंद सरकार मैं मना के रोक लियो 26 तारीख ने अंत की कहते हैं ये बुजुर्ग आदमी है निक्सली है खालिस्तानी है हम खुद उगाते हैं खुद पैदा करते हैं खुद बनाते हैं खुद ही खिलाते हैं और खुद ही खाने वाले हैं बिल्कुल जे भाई मोदी मानना तो ठीक है नहीं संसद छोड़ो 26 तारीख ने हमारे परेड में ट्रैक्टर चल लेंगे अच्छा रोकनी है रोक लियो भाई भला ये कोटी वाले सफेद कपड़े पहनने वाले गाड़ी वाले चैन वाले इतिहास गवाह मारा दूध नहीं खत्म होगा किसाना का ना खान का बंदा ना कदे भी जोर ले लिया मोदी जी इतना लाना है सारे बण भाइया ने चाचे तवा ने लोग लुगाइया ने यार भाई लेना हाथ जोड़ के मेरी राम राम हम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सु थारा अपना विक्की बैरागी ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी टीकरी बॉर्डर पे हाँ और टीकरी बॉर्डर नाम में बतेरा थर ते न्यू बतान खातर अब कौन सी जगह है के मामला चल रहा है हम देश में रहो हो तो सारी जानकारी थमने मिल ली होगी क्योंकि आज 34 दिन हो गए हैं किसानों ने उरा अपने हकों की लड़ाई लड़ते लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है और इस टीकरी बॉर्डर पर फिलहाल मंच के बिल्कुल पास में हाँ कैमरामैन जो भाई है हमारे कालू उसके बिल्कुल पीछे मंच है मेन स्टेज जो है टीकरी बॉर्डर की और मंच के बिल्कुल पास में उरे बिनैन खाप की तरफ ते दमतान साहिब बिनैन खाप की तरफ ते जलेबियां का लंगर लगा रखा है लंगर अलग अलग तरीके के उरे बहुत गणे लाग रहे हैं कोई चावड़ा का लगा रहा है काजू कुजुआ के भी लागे भाई पिज्जा के भी लागे सारी डालते हैं हर कोई अपनी अपनी तरफ से सेवा करने लग रहा है और बिनैन खाप की तरफ से जलेबियां का लंगर चल रहा है तो पीछे जलेबी खीर का चलिया कर जलेबी खीर का राम 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 कितने पहुंच रहे हो दमतान साहब ते अच्छा लंगर अपना ही है अपने है और फिर किस तरह कितना सहयोग चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है बहुत बढ़िया कद तई चल रहा है ये चलता रहेगा तो नहीं मानता चलता रहेगा यो नहीं टूटा करता ना आज खीर है खैल पद्यामी दूध था अच्छा रोज अपना डेली मेन्यू बदलांगे अच्छा डेली मेन्यू बदलांगे बदलांगे दूध मारे घर का हलवा ही मारे घर के सौदा मार के सोखानी है मारे घर के दिक्कत कोनी इतिहास गवाह मारा कदे दूध नहीं खत्म होगा किसाना का ना खान का बंदा ना कदे भी जोर ले लिया मोदी जी इतना लाना है खुला नुवे चल लगा सौदा नुवे चल लगा थोड़ा सा पीछे नो लिया पीछे लंगर चल रहा है उसमें दिक्कत आ रही है आगे ने सर क्या था मर जाएंगे उरा जावा को नहीं अच्छा अरे एक अच्छा काम कर दिया कि माड़ा काम कर दिया मोदी ने दो पंगे ले लिए एक तो जो मेरे भाई थोड़ा हर डिस्ट्रीब्यूट था एक कर दिया हरियाणा पंजाब एक हो गया अच्छा कल हरियाणा ने छोड़ देगा पंजाब ने छोड़े एक रेप छोड़े को नहीं मोदी ने अच्छा हाँ यू बढ़िया काम कर दिया उसका हम धन्यवाद करा मम भाई मिला दिए कुंभ का मेला में बिछड़ रहे थे मिला दिए मेला बना दिया यू कुंभ का मेला फैल कर दिया इस मेला ने अच्छा किसान आंदोलन किसान दूसरी कोई बात नहीं अच्छा। अंत की कहते हैं ये बुजुर्ग आदमी है नक्सली है खालिस्तानी है हम खुद उगाते हैं खुद पैदा करते हैं खुद बनाते हैं खुद ही खिलाते हैं और खुद ही खाने वाले हैं बिल्कुल यह किसान कौम है भाई अपना पेट खाली रख सके लेकिन घर आए मैं मानने कदे भूखा नहीं भेजा करा और वह किसान आज अपने हकों की लड़ाई खातर उड़े दिल्ली में बैठे हैं एक महीने तो ऊपर का टेम हो लिया लेकिन सरकार आज के दिन इनकी सुनवाई नहीं कर रही है इनके मुंह पे एक शब्द आवा है गुंगी बहरी सरकार किते न किते वो ठीक है लिखने लग रहा है हाँ जी बलदेव राशिवा से चरखी दादरी हरियाणा 34 दिन हो गए जे सोगा लंगर 24 घंटे भाइया की दयात भोड़े के दयात लगातार 24 घंटे आटो पैर चल रहा है मेरा गला भी खराब हो गया फिर ठीक हो जाएगा अच्छा। फिर खराब हो जाए फिर ठीक हो जाए अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है ना गाड़ी झटके ले ले न्यूए चल रही है न्यूए चल रही है लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँ भला ये कोटी वाले सफेद कपड़े पहनने वाले गाड़ी वाले चैन वाले पिज्जा खानी और बोला आख्या ना दिखानी है जमींदार नहीं हो सकते ना किसान हो सकते तो भाई बताना चाहूँ आपके माध्यम से मेरे भाई तो पूछता है भारत जवाब दो भारत पूछता है तो बताता भी है भारत का जवान और किसान है अच्छा। ये बताता है ये जो बोलता है बोला आतंकवादी है और ये बोलो नक्सलवादी है और फंडिंग आ रही है बाहर से
ये देसी फंडिंग है भाई। अच्छा। मारी घर की फंडिंग है या? अच्छा। हम घर के खानी है, हम घर के उगानी है, किशमिश काजू बादाम बोला ये खानी है, बोला भाई किसान नहीं हो सकते भाई, हम उगावा और मारे बुजुर्ग खावे तो और कौन खागा भाई, ये बताए खा कर दे राजनेता। अच्छा। ये बात हमारा समझ में आएगी, मारी चीज उगाएड़ी और मारिया ने खुआन लाग रहे हैं भाई, उनका पेट में दर्द हो रहा है भाई, यो पेट में दर्द क्यों होया, ये समझ रहे थे कि ये हमारे खातर पैदा करे हैं और भाई हम खाई जावांगे, इन्हें तो मेरा नहीं है बासी रोटी खानी है। अच्छा। और वो भी मिलना तो मिलना ना, ना मिलना है। ये हमने बोले बतावे है, हम बोले तो साए भाई, लेकिन इतने ना थोड़े थोड़े हाँ। अच्छा। पहले मोदी जी बोला, बोला जी मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा युवाओं को। अच्छा जी, बोला नोटबंदी करूंगा और 15-15 लाख आपके सबके खाते में आऊंगी। हम जी सारे खुश हो गए। अच्छा। मारी बुला के वोट ले ली, सुन लेंगे। फिर बोलिया बोला जी ताली बजाओ आप, हमने ताली बजा दी, बोला जी आपकी 2 करोड़ नौकरियां हर साल में दे रहा हूँ, ताली इसलिए बजाओ। अच्छा। कोरोना खातर बजवाई थी ताली तो। ओहो, बोला फिर इस बार मन की बात पे किसानों ने भी थाली बजाई, लेकिन एक तस्वीर देखी किसान जो जिस थाली में खावे जूते के ताली बजाई, उसकी ये चीज सोची थी जनो कानून लागू कर दियो, कई बात है बैठे रहेंगे सारी बात मानने लग रहे, गलत पंगा ले लिया। मेरा सवाल के मैं और था, मेरा सवाल यो था किसान जिस थाली में खा हुआ है उसने मोदी के मन की बात का विरोध तो करा, लेकिन जूते के थाली बजा के भाई मजबूर है किसान, थाली नहीं बजाने, मजबूर है किसान, वो जो कहता गया ना वो हम मानते गए, थोड़ा भरोसा करा, फिर वो ने बोला भाई दुआ और चांस दो, हमने दुआ चांस दिया, फिर बोला दुआ क्यों तो सुना जो पीएम केयर फंड बनाया सर, कोरोना ले तो मैं पहले आया था, फिर भगाऊं भी तक इसलिए दुआ था सो। जो आपका सवाल था नहीं, थाली बजाई दूतों के साथ, हम मर रहे हैं, मर रहे हैं भाई साहब, घर जाके मरना है, मरने के लिए यहाँ आए हैं, लास्ट में आ लिया आंदोलन भी लास्ट में है, मर जाएंगे जाएंगे नहीं, मर रहे हैं, हम भूखे खुद रह सकते हैं, दूसरे को नहीं रहने देते, थाली में खाते हैं बैठ के, हम अन्न पैदा करते हैं, अन्नदाता कहते हैं और पैदा करते खाते हैं, थाली से बजाना क्या मजबूरी है, उसको दिखती नहीं है, मोदी को दिखती नहीं, हमने पहले बजाई थी चम्मच के साथ। अच्छा। पहले जब उसने कहा था अब जूते के साथ क्यों बजाई, वो हमारी मजबूरी थी। अच्छा। जिस थाली में खाते हैं अन्न अन्नदाता कहलाते हैं, लेकिन जूता उसके लगाना पड़ा, ये हमारी एक मजबूरी थी दिखाने के लिए, इसलिए हम यहीं आए हैं, ये जो काले कानून है बार बार एक बात कह रहे हैं भाई, थारी भलाई खातर है भाई, थारी आमदनी बढ़ जाएगी, अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों ना रहे किसान ने, भाई एक बात बता तने मैं 10,000 रुपये दूँ तो लेंदा को नहीं, तेरा भला तो क्यों नहीं करना चाहता, हमें मरना नहीं है, हम अपनी जिंदगी में संतुष्ट है, हमें छेड़ा गया क्यों, एक बात एक मिनट जी बहुत हो गया। मोदी विश्वास कैसे करें? अच्छा। मोदी जी ने तो कहा था पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, कहाँ है स्वामीनाथन रिपोर्ट, वो कह रहे हैं बस थोड़ा बहुत रह रहा, बाकी ज्यादातर लगा 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ पे है, रहेगी वह 15 लाख कहाँ है, आपके खाते में आए हैं, मेरे में तो ना आए भाई, तो पूछो किसी के आए हो तो, और किसी की में भी नहीं है भाई, आप कहे मोदी की जुबान पे कैसे विश्वास कर ले, वो भाई हम बंद कोई चीज हमने मांगी नहीं थोपी जा रही है, पहले इन्होंने आतंकवादी कहा खालिस्तानी कहा, मैं थोड़ी में डिटेल में आपको समझाता हूँ, हर चीज का प्रोपेगेंडा बेचा, इन्होंने देख लिया पैंत भी नहीं चले, सीआईडी के बंदे छोड़ दिए, उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ, किसान जत्थेबंदियों ने उनको पकड़ लिया, सरेआम नंगा कर दिया मोदी सरकार को, गाली दे रहे हैं सब कुछ हो गया, उसकी बेइज्जती इतनी हो गई है। अच्छा। उसका जब हथियारा नहीं चला ना, एक्सवाइल का मुद्दा उठा दिया, अगर इनसे कोई पूछने वाला हो तीनों जगह इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं दी, कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करती है, बीजेपी कांग्रेस को करती है, दोनों पार्टियां किसान पिस रहे हैं बीच में, हमारा भला कहां है 70 साल में, तो भला करने कोई पाया नहीं था, बिल्कुल नहीं पाया भाई साहब, जब तक किसान, लेकिन आज भी उरे बैठे हो तो बीजेपी के लोग एक के बात कहें कि किसान कम है, विपक्षी पार्टियां के लोग ज्यादा हैं, बोलने का मुंह पकड़ा जाएगा भाई साहब, बोलने का मुंह पकड़ा जा रहा है, अगर वो जो नेता बोल रहे हैं ना वो हमने चुने थे, और अगर उनकी इतनी हिम्मत है ना किसी गांव में बढ़कर दिखा दो, हरियाणा में दिखा दो, अगर अपनी
अगर वो सही असली इंसान है ना, इनका वोट लेके बने थे ना, असली राज ये है वो नौकर है। अच्छा अटैक दिखा दो, मेन सोल्यूशन बताओ इसका क्या है। जब तक जैसे एक झंडे के नीचे अब है ना किसान जथेबंदी, जब तक ऐसे नहीं आएंगे किसान के बंदे नहीं उठेंगे, किसान संसद में नहीं जाएंगे, इस चीज का सोल्यूशन कभी भी नहीं होगा। तो संसद की तैयारी है अगली, बिल्कुल आगे हम तो जितने भी जत्थेबंदी है उनसे अनुरोध करेंगे, लेटर भी लिखेंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, अपने बंदे उठाओ, अपने बंदे संसद में भेजो, MLA हो, मंत्री हो, कोई भी हो, ये इसका सोल्यूशन है लॉन्ग टाइम के लिए। किसान राज जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान ने अपने राज की तैयारी कर दी। राम राम जी भाई साहब। राम राम भाई साहब। कौन सी जगह आ रहे हो? दमताण से आ रहे हैं भाई। दमताण साहब किरची पड़ा है? नरवाणा जीन डिस्ट्रिक्ट का लास्ट पड़ा पंजाब का सिरा है भाई। ने बात करी तना भले संसद में जाओगे जे भाई मोदी मानना तो ठीक है, नहीं संसद छोड़ो 26 तारीख ने हमारे परेड में ट्रैक्टर चल लेंगे। अच्छा रोकनी है रोक लियो भाई, पहले यह सरकार तो चेतावनी हर गल है, मोदी भगत चुन से ले गलत कमेंट कर रहे हैं हमारा पै और मतलब बिरयानी के लग रहे कहने वे अरविंद सरकार मामना के रोक लियो 26 तारीख ने मारे ट्रैक्टर परेड मार दिल्ली में झंडा मारा आवागा भी का भाई। अच्छा हाँ खुला चैलेंज, खुला चैलेंज है बिल्कुल। सरकार 26 दिन पहला बता दिया और गल्ला सरकार का भाई है मोदी भगत जरूर आई हो जो मारे गलत कमेंट कर रहे हैं मारी बुजुर्ग मतलब लगाइया मतलब को कह दिहाड़ी पावे को कह किमें कवा मैं गल्ला है जी मामले रोकने खातर भाई। या लगातार बड़े बड़े ऐलान किसानों की तरफ तो होने लग रहे हैं और सरकार जो है अपने बड़बोले बयान भी लगातार देती है, लेकिन आज किसानों ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि 26 तारीख ने लाल किले में परेड ट्रैक्टर तो होगी। मेरी बात सुनो जो मोदी ये कर रहा है किसी के लिए कर रहा है, उनका कुछ नहीं जाएगा और मोदी का कुछ रहेगा भी नहीं। अच्छा। मोदी ये मत सोच ले भी आगे इसकी सरकार आ जाएगी। अच्छा। ये चाय बेचने के लायक भी नहीं रहेगा। अच्छा ये मेरी बात है। ये यार इतनी बार कह रहे हैं कि समझ क्यों नहीं रहे, ना तो MSP जा रही है आपकी कहीं, ना आपकी कहीं मंडी जा रही है आपकी भलाई के लिए है। कोई भलाई नहीं, हमें भलाई नहीं चाहिए, हमें ऐसी भलाई कभी नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो हम जो हम अपना काम करवाने हैं काम करवा के जाएंगे, बस हमारी इसके आगे हाथ जोड़ के बेनती है बस। तिने कानून सानू लद होने चाहिए या नहीं 26 तारीख नू इनू छाको तोड़ांगे असी। अच्छा हां असी किसान हुंदे आ। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, कानून लेके आए स्टोर पहले बना दिए, सोची सादी साजिश थी ना। अच्छा ये पहले से ही था, अंबानी अडानी का गुलाम है ये बोलता ना चौकीदार हूँ मैं। अंबानी और अडानी है बस भाई सब वही है, हर सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों से चलती है, अंबानी अडानी है इसके प्रॉपर्टी है यही खरीद लिए अपने पानीपत के पास दौड़ता गाँव में 350-400 किलो में चोर बना रखा है। एक बताओ मोदी गला बात करना चाहवा आप करवा दो या उरा बुलवा लो। इस कानून के 3 पेज है, 20-25 लाइन का कानून है। जब सरकार 10 से 15-18 तक संशोधन करने को तैयार है, गलत है तो उसको ठीक कर रही है। अगर वो सही होता तो क्यों उसमें चेंज करती? हमारे पे सिक्योरिटी देखो आप कितनी है, CRPF, ARF, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस आतंकवादी नहीं है किसान। हाँ वहाँ देखो पंजाब बॉर्डर से लगे थे यहाँ तक आ गए, चार चार पाँच पाँच लाइन की सिक्योरिटी है। वहाँ कश्मीर में और चीन बॉर्डर पर होती हमारे भाई शहीद होने हमें वो भी दर्द है। हमारे भाई वहाँ शहीद होते हैं, यहाँ हमें शहीद करने के लिए इन्होंने बिठा दिया। भाई को भाई से लड़ाने की तैयारी है, हम चलेंगे, कोई सिक्योरिटी वाला हमारे सामने नहीं आएगा। हम जब चलेंगे सिक्योरिटी वाले हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारे भाई है। अच्छा। हमारे भाई है, हमारे माता पिता ने उनको पैदा किया है, वो हमारे साथ चलेंगे 26 जनवरी की परेड में। 26 तारीख को पता चल जाएगा कौन तिरंगा फहराएगा। 26 तारीख ने बेरा पार जाए तो लगातार किसानों की जोश भरी ये बातें हम सुनते आए हो। टीकरी बॉर्डर पे हैं फिलहाल, टीकरी बॉर्डर पे अलग अलग तरीके के लंगर थरते दिखाए हैं, जलेबियां का लंगर लगा रखा था बिनैन खाप ने, और उरे इनने बताया है कि एक बार फिर बताया है कि 26 तारीख ने लाल किले पे ट्रैक्टर परेड होगी। देखना यो है कि सरकार इनकी सुनवाई जब तक करेगी कि नहीं करेगी, के इस बार भारत में एक नया इतिहास रचा जाएगा इन किसानों की तरफ से। यो आंदोलन तो ऐतिहासिक होता है जान लग रहा है, 26 जनवरी देखनी है कि ऐतिहासिक होगी। अब ठीक ठाक ये घर में पहुंच जाएंगे और लाल किला ठीक ठाक फहराया जाओगा, लाल किले पर झंडा ठीक ठाक फहराया जाओगा। हम देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे कालू, राम राम।